श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ऑनरेबल चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा कि आपके साथ में मौका कई जगह मिला एक्सपीरियंस करने का इन 18 वर्षों के दौरान में आपकी चेयरमैनशिप में होम कमेटी में एज ए मेंबर, और जब आप यहाँ बैठते थे हमको उधर बैठने का मौका मिलता था तो आपने कई टिप्स दी हमको जो कि हमें याद हैं और उसको हम नहीं भूल सकते। ऑनरेबल चेयरमैन सर, लास्ट इट्स 18 इयर्स नाउ आई हैव बीन हियर। 18 वर्ष पहले जो है आई वाज अराउंड 52, नाउ आई विल बी रीचिंग 70 इयर्स। तो उस समय का एक्सपीरियंस जो उसके पहले का एक्सपीरियंस था वो एक अलग एक्सपीरियंस था, और उस समय हम अपने वकालत के पेशे का एक्सपीरियंस लेकर में थे। वॉज अ बिजनेस लॉयर, फॉर्चुनेटली जो भी था, आई वॉज एडवोकेट जनरल रहे, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी रहे, सब चीज़ें रहे, लेकिन वकालत के पेशे में एंड ऑलमोस्ट 24 आवर्स का काम था। पर जब हम यहाँ पर आए तो तब हमने रियलाइज़ किया कि ये नई बिगनिंग थी, और नई बिगनिंग इसलिए भी रियलाइज़ किया क्योंकि वहाँ पर जिस हैसियत में हम थे तो हमेशा फ्रंट रो मिलती थी, वहीं बैठने का मौका मिलता था। यहाँ जब हम एंटर किए तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट रो से, और वहाँ से एक्सपीरियंस जो लेते हुए हम समय गुजरा, धीरे धीरे हमको फर्स्ट रो भी मिली और फर्स्ट रो में बहुत सालों तक बैठे। जब हम एंटर किए थे तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में वी वर ओनली 4 पर्संस, और दो थे, दो हम लोग आए थे, हमारी पार्टी की मुखिया, हमारी पार्टी के नेता नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो भी उस समय 2004 में उन्होंने साथ में ही ओथ लिया था एंड वी कम टुगेदर। 4 से लेकर के फिर हमने उसको भी देखा कि कैसे ग्रोथ हुई और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी भी आई जहां 15 थे हम लोग। वो बात दूसरी कि आज फिर हम लोग आज नीचे पहुंचे हैं। ये उतार चढ़ाव, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये एक प्रकृति का है जो कि चलता रहता है, और उसमें कभी भी मैं समझता हूँ कि ये सोच करके कि आज हम यहाँ आ गए हैं या हम वहाँ थे, इसको सोच करके अपनी जो सोच है उसको नहीं बदलना चाहिए। हमने जो एक्सपीरियंस किया इस हाउस में आ करके वो ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमने पहले नहीं किया, और हमने वकालत के पेशे से ज़रूर हम हट गए लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटे, कभी भी हमेशा रहे, आज भी हैं, 45 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 46th ईयर है इन टू द प्रोफेशन। बट दैट मेड मी लाइवली एंड टू थिंक, बहुत सी चीज़ें जो सोचने पर हमको मजबूर करता था, खास तौर से जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हम कोर्ट में पढ़ते थे, कानून को पढ़ते थे, तो कानून क्या इंटरप्रेट किया गया पार्लियामेंट से उसको बताने की कोशिश करते थे। यहाँ पर आए तो एक्सपीरियंस मिला कि कैसे कानून बनता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी, मेंबर से हैसियत से भी, एश्योरेंस कमेटी और बाकी एक्सपीरियंस को लेते हुए जो हमने एक्सपीरियंसेस किए दैट देवर देयर। लेकिन एक चीज़ का अफसोस हमें हमेशा रहेगा, और वो ये रहेगा कि इस सोसाइटी में जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव हम नहीं देख पाए। हमने भी कोशिश की उस बदलाव को लाने का कि ये जो एक डिफरेंस है सोसाइटी में कि हैव नॉट्स और हैव जिनके पास है उसको छोड़ करके हम लोग इसमें उलझे हुए हैं, जो कि कई सदियों से ही नहीं, कई युगों से कोशिश की हम लोगों के, भगवान श्री राम ने भी कोशिश की, औरों ने भी कोशिश की खत्म कर सकें, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया, और आज भी वो डीप रूटेड है, और वो है कास्ट सिस्टम और ऊंच नीच वाला सिस्टम। हम लोग जब ये बात करते हैं कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, तो ये बात गले से नहीं उतरती है। ये लोअर कास्ट कह करके आप एक पूरे एक समुदाय को कह देते हैं कि ये लोअर है, और अपर कास्ट वालों के माइंड में ये सेटिंग हो जाती है कि ये तो लोअर हैं और हम अपर हैं, जबकि उनसे हैसियत हो सकता है उनसे भी ज़्यादा खराब। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों को एक समय आएगा जब सोचना पड़ेगा कि कैसे इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें, और हम लोग इस सोसाइटी को, जो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग ये कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम
और रिलीजन सिस्टम को हट करके इससे ऊपर उठ करके आए वो हम जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारी पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, और ये मौका हमको दिया उन्होंने यहाँ पर ला करके इस हाउस में बैठाने का। अपनी इतना ही नहीं, हमको पिछले 17 वर्षों से ज़्यादा इस अपनी पार्टी का इस यहाँ पर फ्लोर लीडर बनाने का जो उन्होंने कंटिन्यू करा एंड तक, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन या बहुजन समाज पार्टी की हैसियत से उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कंट्री में और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ में, वो भुलाया नहीं जा सकता। मानवर काशीराम जी के साथ में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उसको अगर पूरा करने का काम किसी ने किया है तो वो मानवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने किया है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसमें तभी हो सकता है जबकि लोग जो लोग उनके साथ में जुड़े, जो उनके साथ में हैं, वो संगठित हों, एक साथ हों, इकट्ठा हों और इस बात से निराश ना हो कि आज क्या स्थिति है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब शुरू हुआ था तो उससे। और इसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप चेयरमैन साहब और यहाँ के और लोगों ने जो हमको मौका मिला कि हमको इंटरनेशनल फोरम्स में भी जाने का मिला, दो बार हमको यूनाइटेड नेशंस में बोलने का मौका मिला और एक्सपीरियंसेस करने का मिला, वो सारा इस हाउस से है। मैं एंड में अब जो यहाँ का स्टाफ है, जो सेक्रेटेरिएट है और जो और लोग जिन्होंने 18 वर्षों में हमें मदद की, उनको मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा और दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने चाहे हमारी कमिटीज़ हो और चाहे यहाँ पर कार हो उसमें उन्होंने पूरी हमारी मदद करने का काम की। धन्यवाद। थैंक यू। मैं अपील टू मेंबर्स टू बी ब्रीफ बिकॉज लॉट टू टेल द हाउस बट क्वेश्चन इज ऑफ टाइम, कीपिंग दैट इन माइंड।